अरे धनी भाई, तुम्हारी माँ रत्ननगरी की सबसे मशहूर तमाशे वाली थी। कटीली नचनिया कहते थे उसे लोग। माँ को गाली दी तूने? धनी नहीं, नहीं धनी। अरे गाली कहाँ दी धनी भाई? मैंने तो सुना था कि उनका नाच देखने के लिए आसपास के चार गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे। अरे मैं गलत कह रहा हूँ तो सरस भाई से पूछो। सरस भाई बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ? इसकी माँ नाचने वाली थी कि नहीं बताओ आप मुझे। कितनी भीड़ जमा हो जाती थी उनके तमाशों में, है कि नहीं? अरे मैंने तो सोचा था कि आपके भूमि पूजन में उन्हीं को नचवाऊंगा मैं। सरस, पर अब नहीं भाई, पहले जो थी थी, लेकिन अब तो आप दोनों की माता जी है ना। प्रमाद, निकल जाओ यहां से। मैं बस जा ही रहा। वैसे भी मेरा काम तो हो गया। अब आप दोनों भाई आपस में पंचायत कर लो कि क्या सच है और क्या झूठ। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। झूठ है भैया। डैनी मेरी बात सुन। भैया ये झूठ है ना। डैनी मैं तुझे बता दूं। जवाब दो मुझे। जवाब दो भैया। ये सच है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भैया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भैया। नहीं डैनी, डैनी आप सब जानते थे और आपने बताया नहीं मुझे। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा जैसा भी हो, माँ के प्यार करने में कभी कोई फर्क नहीं आता। फिर बच्चे के प्यार करने में फर्क क्यों आए? देख डर, माँ अच्छी हो या बुरे, माँ माँ होती है। फिर उनके बारे में तुझे बताकर मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मेरी तरह तेरी मॉम भी तुझसे बहुत प्यार करती है। ओ प्लीज, आप दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरी लाइफ का इतना बड़ा सच मुझे किसी बाहर वाले से पता चला। आपने बहुत गलत किया भैया, बहुत गलत। डैनी,
कैसे बताता तुझे, इस बात से बहुत सारे सच जुड़े हैं। जिस अंधेरे से मैं आज तक नहीं निकल पाया, उस घुटन में तुझे कैसे जीने देता मैं? मां की आंचल की छांव जो मुझे नहीं मिली, वो तुझसे नहीं छीन सकता था मैं। डैनी, सरस, डैनी कहाँ है? वो कुछ देर अकेला रहना चाहता है। उसे थोड़ा सा समय दो सरस, वो समझेगा। अपनी माँ के बारे में जो बात वो सोच भी नहीं सकता था, वो इस तरह उसके सामने आ गई। कमल, उसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मैंने उसे सच छुपाया, और उसे कैसे समझा कि विश्वास का मतलब सब कुछ बताना नहीं, कभी कभी चुप रहकर तकलीफ से बचाना भी होता है। सरस वो समझेगा, उसने प्रमाद की बात पर यकीन नहीं किया। उसने ये बात तब मानी जब तुम उसे जवाब नहीं दे पाए। वो तुम पर बहुत भरोसा करता है, उसे इस चोट से उभरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसे वक्त दो। अच्छा चलो, बहुत सारा काम है, अब तो नए कृष्ण जी भी तैयार करने पड़ेंगे। जहां मेरा भाई जिंदगी में पहली बार मुझसे दूर रहना चाहता है, और तुम्हें नाटक की पड़ी? सरस तुम समझ नहीं रहे हो, ये हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे भाई से बड़ी नहीं है कुमार, या तुम्हारे लिए प्रमाद की नफरत मेरे भाई के प्यार से बड़ी है। सरस बात प्रमाद की नहीं है। सरस बात तुम्हारी है। सरस प्रमाद से मैं ये शर्त जीतू ना जीतू, पर तुम्हें अपनी माँ से किया हुआ वादा हारने नहीं दूंगी। प्रमाद, तुम सरस की हिम्मत तोड़ने आए थे, पर याद रखना सरस अकेला नहीं है। मत उसकी ताकत बन के हमेशा उसके साथ रहेगी। तुम्हारी मां रत्ननगरी की सबसे मशहूर तमाशे वाली थी, कटीली नचनिया कहते थे उसे लोग। मैंने तो सुना था कि उनका नाच देखने के लिए आसपास के चार गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सरस भाई से पूछो। सरस भाई, इसकी मां नाचने वाली थी कि नहीं, बताओ आप मुझे। डैनी, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज। पर सुन तो सकते हो। जानते हो, मुझे जब मेरे बापू के बारे में पता चला था ना, मुझे भी ऐसे ही बहुत बुरा लगा था। सिर्फ बुरा लगा था ना, क्योंकि ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ ने बताया था, लेकिन मुझे उस प्रमाद जैसे आदमी ने, वो भी मेरी माँ को गाली देकर, और भैया की वजह से हुआ है, धोखा दिया है उन्होंने मुझे। हो सकता है वो मजबूर हो डैनी, भगवान से ज्यादा माँ के रिश्ते को पूछते हैं वो। अरे किसी माँ के बारे में ऐसे कैसे कहते? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि इतने साल तुम्हें ये सब ना बताकर उन्होंने तुम्हें इस तकलीफ से बचाए रखा? अगर प्रमाद तुम्हें ये सब जानबूझकर नहीं बताता तो शायद हमेशा बचाए रखते। डैनी, कभी-कभी चुप रहने में ही भलाई होती है। उन
उन्होंने उनके भाई होने का पूरा फर्ज निभाया है। अब तुम्हारी बारी है। चलो ना डैनी, कितनी रिहर्सल्स करनी है। एंड आई प्रॉमिस तुम्हारा वो कबूतर पंख देके प्लीज मुझे अकेला छोड़।